एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्नोफ्लेक्स इंग्लिश क्लास सेकंड से 10th चैप्टर, जिसका नाम है अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। अब आपने अलादीन और जादुई लैम्प के बारे में कार्टून भी देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज भी इस पर बनी हुई है, बहुत सारे सीरियल्स भी इस पर बने हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। अब यहाँ पर ना कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं जो कि इस चैप्टर में आपके सामने आएंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है अलादीन, जो कि एक यंग टेलर है ना, दर्जी। सरीना इज मदर, उसकी मम्मी का नाम है जरीना। जफर इज अंकल एंड ओल्ड मैन, और जफर यहाँ पर एक कैरेक्टर आया है जो कि अलादीन के अंकल है, एक बूढ़े आदमी है। जीनी, जीनी और मैजिक स्पिरिट। जीनी क्या है? जीनी एक जिन है। मैजिक स्पिरिट का मतलब एक जादुई आत्मा है ना, जो कि एक लैम्प के इनसाइड में, जो कि एक लैम्प के अंदर रहती है। एंड ऑलवेज इट्स मास्टर, और जिस भी व्यक्ति के पास ये लैम्प रहता है वो उसकी हर बात को मानता है। सीन फर्स्ट, अब यहाँ पर पहला सीन दिया गया है, क्या सीन है वो देखते हैं। अलादीन इज अ हैंडसम यंग मैन, अलादीन एक बहुत ही सुंदर यंग मैन है। ही इज सिटिंग एंड सीइंग अ ड्रेस, सिटिंग का मतलब होता है बैठना, सीइंग का मतलब होता है सिलना। वो बैठा हुआ है और एक ड्रेस को सिल रहा है। His mother is cooking dinner in a corner of the room. और रूम के यानी कि कमरे के एक कॉर्नर में उसकी मम्मी है, जो कि उसके लिए खाना पका रही है, रात का खाना, डिनर मतलब। अलादीन, what's for dinner mom? अब अलादीन यहाँ पर पूछ रहा है कि मम्मी खाने में क्या है। सरीना, रोटीज एंड वेजिटेबल्स अलादीन। तो सरीना यानी कि उसकी मम्मी बताते है कि बेटा अलादीन आज मैंने बनाई है रोटी और सब्जी डिनर में। अलादीन, आई एम हंग्री मॉम, आई हैव वर्क्ड ऑल डे। तो यहाँ पर अलादीन कहता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मैंने सारा दिन काम किया है, can't you make something else? कि क्या तुम रोज वही रोटी सब्जी, क्या तुम इसके अलावा कुछ और अच्छी चीज नहीं बना सकती मेरे लिए? सारा दिन मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और उसके बाद वही रोज वही रोटी सब्जी। लुक सर, द मनी बॉक्स इज एम्प्टी। तो यहाँ पर जरीना उसकी मम्मी कहती है कि बेटा देखो जो मनी बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर वो पैसे रखती थी, कहती है कि बेटा देखो ये जो बॉक्स है पैसों का, ये खाली पड़ा हुआ है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, है ना। We can't buy anything else. और इस रूखी सूखी सब्जी रोटी के अलावा हम इससे ज्यादा कुछ और नहीं खरीद सकते। Someone knocked at the door. और जब उन दोनों माँ बेटा के बीच में बातें होती है तभी क्या होता है, दरवाजा खटखटा, दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, किसी ने दरवाजा खटखटाया। जरीना, what's that noise? जरीना जब सुनती है तो कहती है ये शोर किस चीज का है? Who would come so late? अब उस टाइम पर बहुत रात हो चुकी थी, तो कहती है कि इतनी रात से कौन आया है? Go and look. कि जाओ और जाकर देखो क्या क्या है कौन दरवाजे पर इतनी रात को। अलादीन, हु आर यू? अब अलादीन जाता है और देखता है तो दरवाजे पर उसको कोई दिखाई देता है और पूछता है कि तुम कौन हो? जफर, इज दिस जरीना एंड अलादीन्स हाउस? अब जफर कौन आया था दरवाजे पर? जफर यानी कि अलादीन के अंकल आए थे। तो पूछते है कि क्या ये घर जरीना और उसके बेटे का है, यही पर वो लोग रहते हैं? जरीना, यस इट इज, प्लीज कम इनसाइड। सरीना यानी कि उसकी मम्मी सुन लेती है, वो कहती है हाँ हाँ यही हमारा घर है, आइए अंदर। हाउ डू यू नो माय नेम? वो पूछती है बातों बातों में, पूछती है कि आपको आखिर मेरा नाम कैसे पता है? आई डोंट नो यू, मैं तो आपको नहीं जानती। जफर, आई एम योर ओन ब्रदर जफर। यहाँ पर जरीना से जफर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। डोंट यू रिमेम्बर मी जरीना? क्या तुम मुझे नहीं जानते जरीना, है ना। आगे क्या होता है? जरीना, जफर, आई कांट बिलीव इट, जफर मुझे विश्वास नहीं होता। और फिर वो कहते कि अरे मैं तो बहुत खुश हुई तुम्हें देख के। सिट डाउन योर ब्रदर, ईट विद अस, चलो आओ आओ मेरे प्यारे भाई, आओ बैठो हमारे साथ और खाना खाओ। अलादीन, यू आर वेलकम टू आवर हाउस अंकल। और अलादीन को जब पता चलता है कि ये मेरे अंकल है तो वो भी बड़ा खुश होता है और उनका स्वागत करता है घर के अंदर। जरीना, जरीना ब्रिंग्स मोर फूड। अब जरीना ज्यादा खाना लेकर आती है। सफर, अलादीन, आई नीड योर हेल्प। अब सफर कहता है अलादीन से कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। एंड टुमारो, टुमारो आई मस्ट टेक आउट सम ऑफ माय ट्रेजर व्हिच आई हैव, दे हैव हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस। तो यहाँ पर अलादीन के अंकल कहते हैं कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ काफी, और कल मुझे किसी भी हालत में जो खजाना मेरे पास है वो खजाना, और कल मुझे किसी भी हालत में जो खजाना मेरे पास है उसको एक सीक्रेट प्लेस पर पहुंचाना है, है ना। सीक्रेट यानी कि रहस्य, ऐसी जगह जिसके बारे में किसी को ना पता हो, हिडन मतलब छुपा हो। यू आर यंग एंड ब्रेव, तुम तो बहुत, तुम जवान हो और तुम जवान हो और साहसी भी हो, है ना। विल यू फेच इट फॉर मी, क्या तुम इसे मेरे लिए लेकर जाओगे? फेच का मतलब होता है ले जाना। आई विल गिव यू मनी इफ यू हेल्प मी, और मैं
मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगा अगर तुम मेरी सहायता करते हो इस चीज में। यहाँ पर जफर अलादीन को थैंक यू बोलता है और कहता है कि हम लोग कल जल्दी उठेंगे और जल्दी निकलेंगे सुबह। सीन सेकंड, अब यहाँ पर दूसरा दृश्य है वो क्या है, देखते हैं उसमें क्या होता है। अलादीन एंड जफर आर इन फ्रंट ऑफ अ केव। अब अलादीन और जफर एक गुफा के सामने है ना, दृश्य में अलादीन यू मस्ट गो इन एंड फाइंड ओल्ड लैंप देयर। यहाँ पर जफर कहते हैं कि अलादीन बेटा अंदर जाना है और जाकर वहां पर एक पुराना सा लैंप है उसको ढूंढना है ना। Here the lamp to me and you can take anything you want from the cave। और कहते हैं कि तुम अंदर जाओ उस लैंप को ढूंढकर मुझे दे देना, बाकी उस गुफा के अंदर जो भी तुम्हें मिले वो तुम रख सकते हो अपने पास। अलादीन, I'll do as you say अंकल। और अलादीन कहता है कि ठीक है अंकल, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। अलादीन क्रॉस इनटू द केव। और अलादीन क्या करता है, क्रॉस का मतलब होता है रेंगना, तो रेंगकर वो गुफा के अंदर चला जाता है ना। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, आगे क्या होता है देखते हैं। अलादीन, इट्स वेरी डार्क इन हियर। अलादीन कहता है कि अरे गुफा के अंदर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। सून ही रब्स हिज आईज बिकॉज ऑफ ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ ज्वेल्स। और जल्द ही उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, वो अपनी आंखें ऐसे मलमल के देखता है। क्यों? उसको दिखाई देता है बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात वहां पर। तो ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमचमाना है ना, तो यहाँ पर उसकी आंखें चुंधिया जाती है, वो अपनी आंखों को ऐसे मलमल के देखता है, उसको विश्वास नहीं होता। वो अपने आसपास देखता है बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी वगैरह। I can't believe it, the cave is full of jewels। कहते हैं कि अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा, इतने सारे हीरे जवाहरात इस गुफा के अंदर। What should I take from here? अब इतना सारा हीरे जवाहरात था सोना चांदी था वहां पर, आखिर मैं लेकर जाऊं तो क्या लेकर जाऊं, ये लेकर जाऊं या ये लेकर जाऊं? इधर भी सोना, इधर भी चांदी, इधर भी हीरे जवाहरात और बहुत सारी कीमती चीजें है ना। ज़ेफ़र आउटसाइड, हरे अलादीन गिव मी द लैंप। अब ज़ेफ़र जो था वो बाहर था गुफा के और बाहर से वो बोलता है कि अलादीन जल्दी करो जल्दी करो, जो लैंप है वो मुझे दे दो। अलादीन, लैंप? व्हाट लैंप? अब अलादीन ने जब अपने आसपास इतने सारा हीरे जवाहरात सोना चांदी देखा तो वो भूल गया कि किसी लैंप की बात हुई थी। कहते कौन सा लैंप? दीज जेवल्स गिव मी मोर लाइट देन एनी लैंप। कि ये जो हीरे जवाहरात सोना चांदी वगैरह है ना, इन सबसे मुझे ज्यादा रोशनी मिल रही है बजाय किसी लैंप के। ज़ेफ़र, अलादीन, ब्रिंग द लैंप और आई विल पनिश यू। अब जो ज़ेफ़र था ना उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहता है अलादीन जल्दी से वो लैंप ले आओ नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। पनिश का मतलब होता है सजा देना। आई विल शूट यू इन द केव। और मैं तुम्हें इस केव के अंदर, केव मतलब होता है गुफा, इस गुफा के अंदर तुम्हें बंद में कर दूंगा है ना। देयर इज द लैंप अंडर द रॉक, इट इज वेरी ओल्ड एंड डर्टी। तो कहता है कि यहाँ पर चट्टानों के बीच में कहीं जाके, यहाँ पर चट्टानों के नीचे कहीं जाकर एक पुराना सा लैंप पड़ा हुआ है। ओल्ड का मतलब पुराना, डर्टी का मतलब गंदा, पुराना सा गंदा सा लैंप पड़ा हुआ है। व्हाई डू यू नीड एन ओल्ड डर्टी लैंप व्हेन वी हैव ऑल दिस ज्वेल्स। तो यहाँ पर अलादीन पूछता है कि हमारे पास इतने सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी वगैरह यहाँ पर है, तो आखिर आपको पुराना सा गंदा सा लैंप क्यों चाहिए भला? ज़ेफ़र, यू जस्ट डू व्हाट आई टेल यू। यहाँ पर ज़ेफ़र उससे कहता है कि जैसा मैंने तुम्हें कहा है ना सिर्फ वैसा करो, ज्यादा बहसबाजी मत करो है ना। गिव मी द लैंप, वो लैंप मुझे दे दो। अलादीन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द यूज ऑफ दिस ओल्ड लैंप। अब अलादीन कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो पुराना सा लैंप है उसको आप बार बार क्यों मांग रहे हो, उसका इतना आखिर क्या यूज है ना। ज़ेफ़र एंग्रीली, अब ज़ेफ़र को गुस्सा आ जाता है, एंग्रीली का मतलब गुस्से से, वो कहता है देन स्टे इन द केव। अब जब अलादीन उसकी बात नहीं मानता है ना, रहो इसी गुफा के अंदर तुम है ना, सो गुस्सा आ जाता है, गुस्से में वो उसको डांट देता है। क्लोजेस द माउथ ऑफ द केव और वो उस गुफा के दरवाजे को बंद कर देता है ना। अलादीन, हेल्प हेल्प आई कांट गेट आउट ऑफ हियर। अलादीन हो जाता है बंद और जब उसको कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता निकलने का तो वो चिल्लाता है मदद करो मुझे कोई बाहर निकालो इससे।
Why have you shut me in? तुमने मुझे इस गुफा के अंदर आके क्यों बंद कर दिया है? Let me out. मुझे बाहर निकलने दो. Nobody can hear me. यहाँ पर मुझे कोई सुन नहीं पा रहा है. यहाँ पर मुझे कोई नहीं सुन सकता. What should I do? अब मैं क्या करूँ? If I light that old lamp, I may find a way out. I will clean it first. अब जब उसको कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता और उसके अंकल ने उसको बंद कर दिया केक के अंदर, तो वो सोचता कि फिर करूँ तो मैं क्या करूँ. फिर उसको ध्यान आता है इस पुराने लैम्प का और वो कहता है कि अगर मैं इसको जलाऊंगा ना, तो जलाने से इससे जो रोशनी होगी शायद उससे मुझे कहीं रास्ता मिल जाए निकलने का और मैं बाहर निकल पाऊँ इस गुफा से, है ना. अभी क्लीन इट फर्स्ट, वो कहता है कि पहले मुझे इसके लिए इसको साफ करना पड़ेगा. बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह जमी हुई थी उसके अंदर क्योंकि बहुत साल पुराना था वो, है ना, और दबा हुआ था कहीं चट्टानों के बीच में. आगे देखते हैं क्या होता है. अलादीन टेक्स द लैम्प एंड रब्स इट ऑन हिज शर्ट. अलादीन जो था उसने वो गंदा लैम्प उठाया. अब उसको कोई और चीज तो मिली नहीं वहां पर साफ करने के लिए, तो उसने क्या किया, अपनी शर्ट से ही उसको रब करना शुरू कर दिया, है ना, मतलब घिसना शुरू कर दिया साफ करने के लिए. अजीनी अपीयर्स, और जब वो उसको रगड़ रहा था तो रगड़ने से क्या हुआ, एक जिनी उसमें से निकला बाहर, है ना. अपीयर्स का मतलब सामने आना. जिनी, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लैम्प. अब जिनी उसे कहता है कि मैं इस लैम्प का सर्वेंट हूँ, मतलब नौकर हूँ. द मैन हु ओन्स द लैम्प ओन्स मी, कि यानी कि वो व्यक्ति जिसके हाथ में ये लैम्प होगा, जिसका अधिकार इस लैम्प पर, मेरा मालिक होगा, है ना, और उसका अधिकार मुझ पर भी होगा. व्हाट इज योर डिजायर माय मास्टर, कि अब तुम बताओ मेरे मालिक कि तुम्हारी क्या डिजायर है. क्योंकि लैम्प किसके पास था, अलादीन के पास था, तो मालिक कौन हुआ, अलादीन हुआ, है ना. जैसा कि जिनी ने कहा था कि जिसके पास भी ये लैम्प होगा वो मेरा मालिक होगा. अलादीन, एम आई ड्रीमिंग. अब अलादीन को विश्वास नहीं होता, वो ऐसे अपनी आंखें मलता है. अरे क्या मैं सपना देख रहा हूँ, है ना, दिस इज मैजिक, ये तो जादू हो गया. मैजिक का मतलब होता है जादू, ड्रीमिंग का मतलब होता है सपना देखना. Let me see if you can take away that large rock and take me home along with the all these jewels. क्या हुआ था कि जो दरवाजा, जो गुफा का दरवाजा था ना, उसको बंद किया हुआ था एक बड़े से पत्थर से, चट्टान से, जैसे कि आपने कार्टून में मूवीज में देखा होगा खुलजा सिमसिम, है ना. इसके बारे में आप लोगों को सबको बताई होगा, बताने की जरूरत मुझे नहीं है, है ना. तो कहता है कि मुझे देखने दो, क्या तुम इस बड़े से पत्थर को हटा सकते हो और मुझे बाहर निकाल सकते हो इस गुफा से, और साथ इतना सारा जो सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह है इसके साथ मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो, है ना. जीनी, एज यू से माय मास्टर. जीनी कहता है कि जैसा आप चाहे, जैसी आपकी इच्छा मेरे मालिक. सुन अलादीन इज एट हिज होम, और जल्दी ही जो अलादीन था वो जीनी ने वापस पहुंचा दिया. अलादीन, ओह आई एम इन माय हाउस. अब अलादीन बड़ा खुश होता है अपने घर आकर, वो विश्वास नहीं कर पाता इसके साथ हुआ था, तो वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि अरे मैं अपने घर फाइनली आ गया हूँ. जरीना, अलादीन माय सन, व्हेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग. जरीना यानी कि उसकी मम्मी अलादीन से पूछते कि बेटा अलादीन आखिर तुम इतने दिनों से थे कहाँ. अलादीन टेल्स हिज मदर अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड. अब अलादीन सारी चीजें, सारी जो भी, अब अलादीन जो भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ अपनी माँ को बता देता है ना. विद द हेल्प ऑफ द जिनी अलादीन बिकम्स वेरी रिच, और उस जीनी की मदद से अलादीन बहुत अमीर बन गया. एंड ही एंड हिज मदर लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद से वो और उसकी मम्मी बड़े आराम से खुशी खुशी रहने लगे, जहाँ की पहले वो इतना गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे. ठीक है, तो आई होप कि जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर मेरी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.